स्वागत है आप सभी का क्विक हिंदी पर और मैं हूं अभिनव सिंह। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर को पूछे गए कुछ क्वेश्चंस मिले हैं मुझे, तो आज उसी पे मैं डिस्कस करूंगा। इसमें कुछ 12 को भी हैं, कुछ 13 के हैं, तो क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोग भेज देते हैं मेरे पास, अभी लगता है कुछ कम आ रहा है। तो आकाश सोनी, ऑल टेक इन्फो, कुमारी ईशा और रवि मिश्रा, इन सब ने मुझे क्वेश्चंस भेजा। तो आप लोग भी मुझे क्वेश्चन जरूर भेजना फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी अभिनव सिंह 177। देखो, वहाँ पे भेजो जो लोग नहीं यूज़ करते हो, आजकल तो सब यूज़ करता है। अगर नहीं यूज़ करते हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप भेज दोगे ना, वहाँ से भी मैं ले लूँगा क्वेश्चन को, ठीक है? तो क्वेश्चन सभी लोग जरूर भेजना, तो हेल्प मिलता है। चलिए फिर आज का शुरू करते हैं। पिन का पूर्ण रूप क्या है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे कई बार मैं बताया भी आपसे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आज 30 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है? देखो, पहले की पढ़ो, सब लोग बोल रहे हैं लिब्रे ऑफिस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। लिब्रे ऑफिस आपको पूरा अच्छे से एकदम कंप्लीट करने लगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो लिब्रे ऑफिस को छोड़ा नहीं आपको, पहले मैं बता दे रहा हूँ, लिब्रे ऑफिस कंप्लीट कर लो और पिछला जितना भी आप देख सको, मतलब बहुत सारे वीडियोज़ हमें मिस होगा आपको, ऐसा तो है नहीं सब देख लियोगे आप लोग, तो सारा देख लोगे, बहुत हेल्प मिलेगी, इतना समझ चलना आपको। तो पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, बड़ा सिंपल सा है ये। अब ये पर्सनल के लिए यूज़ होता है, पासवर्ड के लिए यूज़ होता है, देखते हो एटीएम कार्ड वगैरह में भी यूज़ होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, मतलब हर बहुत जगह यूज़ होता है पिन, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट, B2G का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करता ही रहता हूँ ये भी, इसके बारे में भी हमेशा आपसे वैसे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सबको ये बात। तो इसका मतलब होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब बिजनेस टू गवर्नमेंट क्या होता है ये भी हमें पता होना, जैसे कोई भी प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट को बेचा जाता है, जैसे कोई भी बिजनेस वाले गवर्नमेंट को कोई चीज़ देते हैं तो उसको बोलते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट मतलब किसी भी एजेंसी, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, किसी को भी दें उसको बिजनेस टू गवर्नमेंट, जैसे रेलवे वगैरह लेता है ना बहुत सारा प्रोडक्ट। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, वाईफाई में फाई का मतलब क्या होता है? ये भी ऐसे क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म पूरा नहीं पूछते, लगभग देखता हूँ मैं, पूछते हैं कि इसमें ये क्या होता है, ऐसा पूछते हैं। तो वाईफाई पूरा मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, तो वायरलेस तो इसमें है ही नहीं, वायरलेस आपको पता होना चाहिए, फिडेलिटी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा पब्लिक प्लेस में यूज होने वाला बैंक कौन सा है? लोग बता रहे हैं पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे बहुत सारा थैंक्स भी दे रहे हैं जो भी, मतलब जिनका पेपर हो रहा है, तो आप लोग का टेंशन नहीं, जो लोग पढ़ रहे हो ना उसको पेपर अच्छा जाएगा। अब जो लोग नहीं पढ़ रहे, एक दो वीडियो से कुछ होगा नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, मतलब ये मत सोचो कि एक दो वीडियो देख लो तो उम्मीद करो कि चलो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं सोचते, मेहनत करना पड़ता है आपको भी। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। अब कई लैंग्वेज में इसको पूछ सकते हैं बदल बदल के, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है भारत का, ये बात ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट, USSD का पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ये पहले ही इसका अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अब USSD कोड वही होता है जैसे *12#*99# बैंकिंग का है, तो ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट, सम टू प्रोडक्ट 5×7 ऐसा करके आएगा तो क्या आएगा? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कुछ इसमें जैसे ऐसा नहीं, ये ऐसा आता है, मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन, तो ऐसे सेम मेरे पास भेजा गया था, तो ऐसे आता है ये ऐसा करके, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन मुझे याद है, पिछली बार भी आया था ये, तो मैं बताया भी था आपसे ये क्वेश्चन, ये लेके चलता हूँ मैं एक बार आपको, ऐसे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, वैसे मैं दिखाया हूँ आपसे, तो जो पहले के होंगे सबको पता होगा ये। तो जैसे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ये सेम फार्मूला जो भी था, फिर एंटर करेंगे तो 37 इसका आंसर आएगा। जैसे स्टार वहाँ पे लिखा था, मान लो स्टार भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्या आता है, तो स्टार पे क्या आएगा, तो स्टार पे भी 37 आ रहा है, मतलब दोनों जो भी है सेम आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 37 आएगा, समझ रहे हो बात, ध्यान देना इम्पोर्टेंट है ये। मान लो यहाँ स्टार भी हो रहा, जैसे मैंने दिखाया आपको अभी, तो उसमें भी 37 आ रहा है और ऐसे भी 37 आ रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का है, 37 इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 5×7 प्रोडक्ट मतलब गुणा होता है, तो 5×7=35 हो जाएगा ये, और सम मतलब जोड़ होता है, तो 35+2 कितना हो जाएगा, 37 इसी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, 1024 KB बराबर 1 MB, ये ट्रू है कि फाल्स? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एकदम 100% ट्रू होगा ये,
समझ लो, ध्यान देना ये बात, ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्किल शेप में कौन सी स्टोरेज होती है? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्किल शेप में। अब देखो इसमें कई सारी बातें हैं, मैं बताता हूँ। ऑप्शन तो मेरे पास वैसे आया नहीं था, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सीडी है, सीडी हमेशा आप देखते हो गोल से होता है, सर्किल में होता है। डीबीडी भी सर्किल में होता है। हार्ड डिस्क ऊपर से देखो तो एसडी मतलब हार्ड डिस्क ऊपर से देखने में तो आपको कैसे भी लगे, लेकिन अंदर उसको खोलोगे जब ना तो भी उसमें भी सर्किल सी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल। तो अगर मान लो डिस्क हो ऑप्शन में, जैसे वो लोग बता रहे थे कि डिस्क था क्या ऐसा, मतलब कंफ्यूज थे, डिस्क आया था ऑप्शन में बोल रहे थे। अगर मान लो डिस्क आए और भी बहुत सारे ऑप्शन उसमें देंगे तो डिस्क भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखता हूँ ज़्यादातर डिस्क सर्किल ही होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब नेक्स्ट, पहले स्मॉल और फिर कैपिटल में लिखे वर्ड को क्या कहते हैं? मतलब ऐसे सेम क्वेश्चन मेरे पास भेजा था तो इसका भी मैं उत्तर कुछ न कुछ तो होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। मान लो ऐसा कोई आपको मिल जाता है कोई वर्ड जो कि पहले स्मॉल में हो फिर उसके बाद कैपिटल में लिखा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? टोगल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोल देंगे टोगल केस। टोगल केस होता क्या है कि वो क्या करेगा, जो भी होगा अपोजिट कर देगा। जैसे टी है बड़ा वाला, इसको छोटा बना देगा, ये सब बड़ा बना देगा, ये भी बड़ा, मतलब ये उल्टा कर देता है, अपोजिट जो भी रहता है। और सेंटेंस केस में क्या होता है कि सेंटेंस पहले वाला जैसे ऐसा ये बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे रहेंगे, सेंटेंस की तरह होगा। एक होता है लोअर केस, अपर केस, एक होता है कैपिटलाइज ईच केस, तो उसका मतलब हो जाता है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो जितने वर्ड हैं सारे कैपिटल हो जाते हैं उसमें, उससे। तो ऐसे कई सारे होते हैं उसमें, समझ रहे हो बात? तो ये बात ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट, सिंबल को क्या कहते हैं? कौन सा सिंबल? ये वाला सिंबल अभी बता दूंगा तो आप क्या आंसर ही नहीं खत्म हो जाएगा, है कि नहीं उसका? तो इसको कहते हैं एट द रेट, है कि नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसको बोलते हैं एट द रेट, ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट, ओल्डेस्ट सर्च इंजन कौन सा है इनमें से? अब इसमें भी ऑप्शन तो था नहीं मेरे पास, लेकिन आपको मान लो मैं समझा देता हूँ। तो इसमें क्या है मालूम है? सबसे पहले जो सर्च इंजन बना उसका नाम था आर्ची, आर्ची फर्स्ट, तो जो फर्स्ट होगा वही ओल्डेस्ट होगा। आर्ची के बाद आया वेब क्रॉलर, इसके बाद आया लाइकोस, समझ रहे हो? तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, मान लो तीनों में से अल्टा विस्टा उसके बाद आया, तो ऐसे आया सारे, तो ध्यान रखना आपको। अब नेक्स्ट, डक डक गो क्या है? देखो ये मैं कई बार बताता रहा हूँ आपसे, ये पहले क्वेश्चन नहीं आता था लेकिन अब आता है, मैं कई बार बताऊँ, देखो आया भी है ये, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्च इंजन। तो ये क्या है? सर्च इंजन। एक और है जिससे बायडू, वो भी सर्च इंजन, और एक पूछते हैं कि चाइना में यूज़ होता है बायडू, और एक यांडेक्स करके आता है, वो भी सर्च इंजन। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो अभी उस दिन बताया इसको किसी वीडियो में आपसे। और एक होता है पीओपी थ्री करके पूछेंगे, इसका होता है पॉइंट ऑफ परचेस, ठीक है, ध्यान देना आपको, पॉइंट ऑफ परचेस। और अगर पूछ लिया तो पीओपी थ्री एक होता है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो भी आपको ध्यान रखना, वो भी पूछता है क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट, भारत में कितने पासपोर्ट ऑफिसेज हैं? तो देखो ऑफिस पूछे वो अलग होता है, एक होता है सेवा केंद्र, तो सेवा केंद्र अलग होता है, सेवा केंद्र पूछे तो 543 वो भी पूछता है एग्जाम में, और ऑफिस पूछे तो 37, ठीक है, ध्यान रखना ऑफिस 37 ऑफिस है टोटल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, तो ऑफिस क्या है, पोर्ट जो पासपोर्ट ऑफिसेज हैं वो बड़े बड़े मेन मेन शहरों में खुली थी, क्योंकि ये पासपोर्ट स्पेशली होता है विदेश विदेश जाना है जिसको, उसके लिए तो बड़े बड़े शहरों में होती थी ये, लेकिन गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि हर जगह, जैसे हेड ऑफिस होता है पोस्ट ऑफिस, जो हम लोग पोस्ट ऑफिस होता है ना उसका एक जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में देखो हेड ऑफिस होता है, बाकी छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, तो वैसे ये भी ये समझ लो, ये ऑफिस अलग है, केंद्र छोटा छोटा खोले गए हैं जिससे लोगों को हेल्प मिले, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह खोला जाएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, UPI पिन कितने डिजिट का होता है? तो ये अगर देखो मैं आपको समझाया क्या था,
एक होता है यूपीआई पिन, मैंने आपको बताया था कि 4 से लेके 6 डिजिट तक होता है, ऐसा समझाया था मैं आपसे, लेकिन इसमें ऐसा दिया नहीं है। अगर ऐसा ना दियो तो आप क्या करोगे, तो 6 करना है आपको। एक पूछता है मैक्सिमम, मैक्सिमम 6 होता है, 4 से लेके 6 डिजिट तक होता है, जो भी पूछे जो भी समझे, आप समझदार हो इतना कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, UIDAI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, यही आधार कार्ड वगैरह इशू करता है, बनाता है, UIAI। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है, आधार कार्ड इसी से इसका हेड है, समझ लो चीफ है, यही इशू करता है, यही बनाता है, ये सब कुछ करता है। अब नेक्स्ट, फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर कौन है, एंड्रू मैककलम, मार्क जुकरबर्ग, एड्यूर्डो सवेन। तो इनमें से तीनों हैं, को फाउंडर हैं तीनों, लेकिन अब ऑप्शन में अगर मान लो ये सब ना हो, तो मार्क जुकरबर्ग जो है चीफ है इसके, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी भी नहीं की है, 70% ज़्यादा नहीं की हिस्सेदारी है फेसबुक पे, और मेन यही माने जाते हैं मार्क जुकरबर्ग, ये बात ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट, WWWW, 4 बार W का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये भी मैं डिस्कस किया हूँ वैसे अपने वीडियोस में, अगर 4 बार W तो क्या होगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब करके आखिरी में लग जाएगा वॉर्म, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर सिर्फ 3 बार W पूछे तो ये वॉर्म हट जाएगा, बाकी वर्ल्ड वाइड वेब सबको पता है। दोनों क्वेश्चन आज पूछा गया था एग्जाम में, 100% पूछा गया था, इतना समझ सकना आपको। अब नेक्स्ट, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ट्रू है कि फाल्स? ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा ट्रू, सिंपल सा है ये। अब नेक्स्ट, माउस में कितने बटन होते हैं? ये देखो, उसी दिन पूछा था मैं आपसे, ये आ भी गया, क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं बताया हूँ ऐसे, बस थोड़ा किस्मत भी है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, जो मेहनत किया होगा उसके लिए किस्मत तो 0 है, लेकिन जो कम मेहनत किया होगा उसके लिए बता रहा हूँ, थोड़ा मेहनत किस्मत भी ज़रूरी है उनके लिए। तो इसमें क्या होगा, ए एन बी दोनों हो जाएगा, 2 भी होते हैं 3 भी होते हैं। अब नेक्स्ट, प्रिंट करने के लिए कौन सी गुंजे का प्रयोग करते हैं? प्रिंट, बड़ा सिंपल सा है, कंट्रोल प्लस पी, सिर्फ प्रिंट पूछे तो कंट्रोल प्लस पी, अगर प्रिंट पी भी पूछ ले तो, लिब्रे ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे प्रिंट के दोनों वही होता है, तो इसका हो जाएगा ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ये हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ध्यान रखना आपको। अब नेक्स्ट, ई चेक किस श्रेणी में आता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ई चेक, अच्छा ई चेक क्या होता है समझते हो, जैसे कागज वाला चेक उसी प्रकार से एक ई चेक भी होता है, मतलब ई चेक भी आप इशू कर सकते हो और उसको विथड्रॉल भी कर सकते हो, कुल मिला के ई चेक में कौन सा जाता है, जैसे इसका आंसर क्या होगा, मेन चीज ई बैंकिंग, बड़ा सिंपल सी बात है ई बैंकिंग, ये बात ध्यान रखना। ई बैंकिंग मतलब समझते हो, वही इंटरनेट बैंकिंग हो, ई बैंकिंग हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, बात सब एक ही है, बस नाम अलग अलग है, सब एक ही चीज़ है, जो भी दे दे ई बैंकिंग इसका आंसर होगा, ध्यान रखना आपको। एम बैंकिंग मतलब मोबाइल बैंकिंग, वो अलग हो जाता है, ये ई बैंकिंग के श्रेणी में आएगा। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ वोडाफोन, वोडाफोन का फुल फॉर्म भी पूछा गया था, अब मेरे पास भेजे थे तो पूछा गया तभी भेजे होंगे, तो ये नया है समझ लो, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा बी नंबर, वॉइस डेटा और फ़ोन, ये 3 से मिलके वोडाफोन बना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, वॉइस डेटा और फ़ोन, फ़ोन का मतलब वही फ़ोन जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं, तो वॉइस डेटा फ़ोन से बना है। अब नेक्स्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, टीवी पीवी ईवी जेडवी, अच्छा इन सबका फुल फॉर्म, जैसे टीवी है तो टेराबाइट, पीबी है तो पेटाबाइट, ईबी है तो एक्साबाइट, और जेडवी है तो जेट्टाबाइट, एक होता है वाई बी एट्टाबाइट, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें सबसे बड़ा सबसे नीचे वाला होगा जेडबी, और जेडबी से भी बड़ा एक होता है, जैसे मान लो एक होता है वाई डी, वाई
बी, तो वाई बी सब देखो, टी बी उसके बाद उससे बड़ा पी बी, यहाँ से एम बी, फिर जी बी, फिर टी बी, पी बी, ऐसे होता है। ये जी बी के बाद टी बी हो जाएगा, ऐसे ऐसे समझ सकते हो आप लोग कि सब कुछ इसके बारे में समझ सकते हो। सबसे बड़ा वाई बी, फिर जेड बी, फिर ई बी। तो ये क्वेश्चन कुछ भी आए, मान लो ऑप्शन कन्फ्यूज थे वो लोग भी, तो आपको ध्यान रखना है जो भी आए आपको ऐसे ही कर लेना है हिसाब से। अब नेक्स्ट, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ODT किसका है? ये राइटर का है। T मतलब टेक्स्ट। ODS किसका है? ये स्प्रेडशीट। S मतलब स्प्रेडशीट होता है, मतलब कैल का हो गया। और ODP मतलब प्रेजेंटेशन। P मतलब प्रेजेंटेशन, ये हो गया किसका? इम्प्रेस का। ये जो होता है, ये होता है पावर पॉइंट का। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यू लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है? बोल रहे थे कि इम्प्रेस का बड़ा क्वेश्चन आ रहा था, मतलब सारे कैल के भी आए थे, इम्प्रेस लिब्रो ऑफिस से बड़े क्वेश्चन आ रहे थे। लिब्रो ऑफिस की वीडियो आपको मिस नहीं करना, ध्यान से पूरा देखना है। तो इसका आंसर होगा मास्टर। मास्टर हैंगआउट एक होता है, लेकिन वो व्यू नहीं होता, वो अलग हो जाता है। वो प्रिंटर के लिए, प्रिंट के लिए होता है। आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू सारे होते हैं। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ ऐसे। देखो ये नॉर्मल आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर ऊपर ही लिखे हुए हैं सारे, तो ऐसे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इनमें से कौन से शॉर्टकट की के द्वारा हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जा सकते हैं? जैसे आप वर्ड पे हो और जाना है आपको एक्सेल भी खोल रखे हो, या फिर राइटर भी खोल रखे हो, उस पे चले जाना है आपको, तो क्या करोगे? तो बदलता है ये, तो ऑल्ट प्लस टैब जब प्रेस करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक दूसरे प्रोग्राम पे चले जाओगे। इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन एक स्लाइड पर एनिमेशन इफेक्ट को लिस्ट करता है उसी क्रम में जिसमें यह इंसर्ट किया गया था। ये ट्रू है कि फाल्स? इसमें कई सारे क्वेश्चन छुपे हैं, इतना समझ लो, इसीलिए मैं इसको लिया। एक क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, एक तो ये वाला। तो ये पूछ रहा है, देखो, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन, जिसको बोलते हैं स्लाइड पेन भी जिसको बोलते हैं, एक साइड पर दिखाता हूं मैं आपको, ये क्या है? यही है स्लाइड पेन, समझ रहे हो बात? ये होगा किसमें? व्यू में होगा था, व्यू में। ये देखो, ये है स्लाइड पेन, ये टिक है इस पे। अगर इसको अनटिक कर देंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगी ये, फिर इसको यहाँ से टिक करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब एक चीज़ क्या हमने सीखा कि व्यू में ये पाया जाता है स्लाइड पेन, व्यू में ये पाया जाता है स्लाइड पेन। ये बात ध्यान रखना है आपको, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या होता है? ये देखो साइड में लगा है, जो भी आपको स्लाइड बनाओगे, जैसे ये इस पे काम करोगे, इस पे काम करोगे, ये यहाँ लगा रहेगा। मान लो दूसरी स्लाइड आपको ऐड करना है एक और, जैसे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल पर से, हम डुप्लीकेट स्लाइड के लिए होता है, देखो एक स्लाइड और आ गया यहाँ पे, तो ये नए स्लाइड के ऐड करने के लिए होता है। तो देखो दो स्लाइड हो गए, तो ये सारे लिस्टिंग होते हैं यहाँ पे साइड में। तो वही बोल रहा है कि लिस्ट करता है उसी क्रम में जिसमें हम इंसर्ट करते हैं। तो बिल्कुल सही है, मतलब हम जिस क्रम में इंसर्ट कर रहे हैं इसको, जैसे पहला ये था, दूसरा ये है, तीसरा इंसर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा वो इसके नीचे, तो यही बोल रहा है। तो बिल्कुल सही, इससे कई क्वेश्चन आपने सीखा, ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट, स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है? देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लाइड लेआउट कमांड, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, गलती नहीं करना। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ये सारे जो बता रहा हूँ मैं आपको, लग जैसे कुछ जो नहीं देखे होंगे उनको बताओ, सोच रहे होंगे नहीं पता, लेकिन मैं सब बताया हूँ। तो स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब में होता है, ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे गया, अब स्लाइड टैब में होता है ये। स्लाइड में जब जाओगे, देखो ये लेआउट, तो लेआउट का मतलब क्या है? वही स्लाइड लेआउट, पूछी तो वही रहा है ना। स्लाइड लेआउट कमांड, कमांड तो खुद ऐड करता है ना, तो किस टैब में होता है? स्लाइड टैब में होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन 30 नंबर आपको करना है, ठीक है? आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना है। 30 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को बाय डिफॉल्ट क्या नाम होता है? जैसे आप कोई नाम नहीं दोगे उसको, तो किस नाम से सेव हो जाएगा, इसका आंसर देना है। और वीडियो को सभी लोग को लाइक करना है, तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो सब लोग लाइक करके ही जाना है, ठीक है? तो लाइक कर देना, और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। फिर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसका एग्ज़ाम हो जाए मुझे क्वेश्चन सभी लोग भेजो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हो।
और जो जैसा पेपर जाए मुझे बताना कैसा गया क्या गया, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है उसमें क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। तो फिर बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।